हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं चेक कर रही थी बाहर की धूप निकला है या नहीं। तो क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी, मैं सुबह सुबह उठ गई थी जल्दी जल्दी, और ये थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ किट्टू के लिए आज। तो सोचा कि कुछ ज़्यादा ही नहीं करना, थोड़ा सा हलवा ही बना लेते हैं। तो बस मैं हलवा बना लेते किट्टू के लिए, क्योंकि मुझे ना एक टाइम पे सारा काम पूरा करके खाना बना करके भी जाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा हलवा में ना ये आलमंड डाल दिया है क्रश करके, क्योंकि वो नहीं खाना चाहता। तो मैं तरह तरह के जो है ना नुस्खे अपनाते रहती हूँ कि उसे किसी भी तरह से आलमंड खिला दूँ। और इधर मैं चावल जो है पानी में डाल रही हूँ कुछ आधा घंटा के लिए, तब तक ये सोख होके रखेगा। मैं फिर खाना बनाने में मुझे आसानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा पानी में से डाल देती हूँ। और ये जो है मैं दूध वाले हलवा बनाऊंगी, क्योंकि किट्टू को जो है ना दूध वाला ही पसंद है, ऐसे वो हलवा नहीं खाना चाहता है। कभी कभार खाता है, तो थोड़ा सा दूध डाल के ही बना देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके बच्चों के लिए। तो इसीलिए आप जब भी कोशिश करें ना कि आपके बच्चे हलवा खाने का जिद करें, तो आप उसे इस तरीके से दूध वाला बना के दे सकते हैं। ये ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी लगता है। तो मॉर्निंग के टाइम में ना एक वर्किंग वूमेन के लिए जो है ना घर के सारे काम, बच्चे को मैनेज करना, फिर जो है ड्यूटी पे जाना, और फिर शाम में आके वापस से सारे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो आप लोग जब मुझसे जुड़ोगे ना धीरे धीरे करके, तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। फिर हलवा तो ऐसे कुछ रेसिपी स्पेशल होता नहीं है, जनरली सभी जानते हैं हलवा किस तरह से तरीके से बनाया जाता। तो मैं इसे आप लोगों को क्या सिखाऊंगी कि हलवा कैसे बनाया। तो बस मैं ऐसे ही क्लिप शूट कर रही थी कि ये मेरा मॉर्निंग में कितना मुझे काम होता है। एक लिमिट टाइम में जब आपको कुछ करना हो ना, तो फिर बहुत हेडेक होता है, बहुत टेंशन। ऐसे तो अभी किट्टू स्कूल नहीं जाता है, तो थोड़ा राहत है मुझे। जब उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी अपना प्लस और किट्टू को, और उसके अलावे मैं ये वीडियो शूट करना, आई डोंट नो, बट मैं ट्राई करूँगी। ये मेरे गरम मसाले जो मैंने लाके रखे हुए थे, ये खड़े गरम मसाले, इसे मैं दो तरीके से यूज करती हूँ। एक तो आप साबुत यूज करते हो जब पुलाव वगैरह कुछ कुछ बनाते हो ना उस टाइम, और बस थोड़ा बहुत जो है मैं उसे मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। उसके बाद जो मेरे ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं, ठंडी में ना थोड़ा आलस हो जाता है, तो कभी कभी रात के टाइम में नहीं कर पाते, तो इसलिए सुबह जो है शुरू करने का कोशिश करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे तरह तरह के काम होते हैं, ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो ये तो डेली का काम है, हर हाउस वाइफ का काम होता है। मैं ना कोई हेल्पर नहीं रखती, मैं सारे काम खुद से करने की कोशिश करती हूँ। फिर देखते हैं कब तक कर पाते हैं। जब किट्टू का वापस स्कूल खुल जाएगा, मेरा भी, हस्बैंड का भी, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर देखते हैं मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर पाते हैं। इसके बाद जो है मैंने ना नया ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो इसको भी मैनेज करना। आप ये सारे काम करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद मैं चली गई थी अपना ड्यूटी पे। फिर ये शाम को जब मैं लौट के आ रही थी, तो मैं अपने लिफ्ट में थी, थक हार के आ जाती हूँ शाम में, और फिर वापस से पूरा किचन जो है मेरा फैला हुआ रहता है, घर के सारे काम। और जब मैं घर आई ना, तो ये देखिए मेरे घर का लाइट ऑन है, ये किट्टू की मेहरबानी है। वो जब घर में रहता है ना, तो इसी तरह लाइट ऑन करके छोड़ देता है। ये बैड मैनर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन के टाइम में लाइट तो बिल्कुल ही ऑन नहीं रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो सेव करनी ही चाहिए सबको। और ये जो है मेरा थैला है, मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने बैग में, ताकि मुझे ना रास्ते में कुछ मिल जाए, सब्जियाँ वगैरह तो लेती आती हूँ, क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ एक टीचर हूँ, तो जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो गांव में ही होते हैं, तो मैं उधर ही जाती हूँ डेली। और साइड में ना खेतों में जो है ताज़े ताज़े सब्जियाँ मिलती हैं लोग रोड साइड में लाके, तो मैं ये लेकर के दो आए थे, 10-10 के दो मुझे मिल रहे थे, एकदम फ्रेश थे, तो मैं लेते आई। उसके बाद जो है मैंने सोचा है कि कुछ गोभी की स्पेशल सब्जी बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी।
ये तो मेरे घर के रोज के है। देखिए सेंटर टेबल जो है, सोफा, सबकी हालत बिगड़ी हुई रहती है। फिर मुझे अपनी सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे रखनी पड़ती है। और मैं ना चेक कर रही थी कि मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगा के रखा था, मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे चला लेना है। और वॉशिंग मशीन में ना कपड़े डालो तो उसके पास मुझे खड़ा रह के उसमें काम करना पड़ता है। तो मैं फिर उसे ऑन करके चली गई फ्रेश होने के लिए। और बाकी जो कुछ कपड़े थे मैं वो भी ढूंढ के लेके आई इस तरीके से। एक तो दिन भर थक हार के आओ ना घर में, वापस से भी उतना काम रहता है करने के लिए। जो घर पे रहती है ना उनके लिए थोड़ा बहुत आसानी होता है कि वो दिन भर घर में रहती है तो कुछ कुछ काम दिन भर में कर लेते हैं। लेकिन जो जिसको बाहर जाना होता है ना बहुत मुश्किल है। ये मैं दिन में सुबह जो है ना सिंपल से दाल चावल बना के गई थी, और ये थोड़ा लेफ्ट ओवर बचा हुआ है दिन का, वो मैं चेक कर रही थी क्या क्या बचा हुआ है। उसके बाद जो है शाम में सोचा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही बना लेते हैं। मैं पिज्ज़ा बेस लेके आई थी दो, तो किट्टू कल से ही बोल रहा था कि बना दो बना दो। मुझे भी लगा कि बना देते हैं। आज उसके पापा जो है ना बाहर से खा के आने वाले थे, तो मुझे लगा कि चलो दो है हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगी। और ऐसे भी शाम के टाइम में ना बहुत हैवी खाने का मन नहीं करता। मैंने सोचा इसी में चलो ढेर सारे सब्जियां वगैरह डाल देती हूँ। ये जो चीज़ है ना मुझे स्लाइस वाली मिली थी, क्यूब वाली नहीं मिली। क्यूब वाली ना आपको डालने में इजी होता है, ये थोड़ा टफ है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ इसे यूज करने में, पर कोई नहीं। दोनों चीज़ जो होते हैं ना, ये जैसे स्लाइस वाले क्यूब वाले, दोनों को अलग अलग चीज़ में यूज करो ना तो वो उसके लिए अच्छा रहता है। जैसे आप इसे ब्रेड में डाल के दो तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से जो है मैंने पनीर है और शिमला मिर्च है, थोड़े प्याज है, थोड़े कॉर्न है, इस तरह चीज़ को मैंने कस कर लिया है। और फिर जो है ना इस तरीके से आप सॉस लगा लो। ये मैं ना बहुत कम ही बनाती हूँ। बहुत दिनों से किट्टू जिद कर रहा था कि थोड़ा बना दो। आप इस तरीके से ना आप पराठा बना सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए। मैं उसकी रेसिपी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी ना बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह खाने में लगेगा। आप रोटी के साथ ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हेल्दी होगा आपके बच्चों के लिए। ये सब जो है ना ब्रेड वगैरह ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी पिज्ज़ा पराठा, जो मैं अक्सर किट्टू को बना के देती हूँ। जब वो सारा टेस्ट जो है ना बिल्कुल पिज्ज़ा वाला आएगा, बट वो हेल्दी होगा। तो इस तरह की चीज़ें ना आप अपने बच्चों को देने के लिए अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कभी कभार के लिए ठीक है। इसमें मैंने देखिए जितने मेरे पास थे ना, पनीर, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह सारे मैंने इसी में डाल दिए हैं। और थोड़ा हैवी चीज़ डाल दिया। ये सारी चीज़ें आप एक बार खा लो ना तो फिर बहुत हैवी हो जाती। तो हमने ना रात में यही खा लिया, उसके बाद फिर हल्का फुल्का दूध लेके हो गया हम दोनों का इस तरीके से। मैंने ना थोड़ा सा बटर लगा दिया इसमें। मैं ये कवर लगा के देख रही थी तो ये नहीं हो पा रहा था उसमें। इसके बाद हम एक न्यू कवर लेके आए इसके ऊपर से। इसे कम आँच पर ही मैंने ये छोटा वाला में चेंज कर लिया। ये देखिए मैं दो लेके आई थी तो सोचा कि दोनों ही बना लेती हूँ, एक किट्टू के लिए और एक मेरे लिए। ये सारी चीज़ें ना बच्चों को तो बड़ी पसंद आती है। जब देखो यही सारी डिमांड होती है, कभी मैगी बना दो, कभी पिज्ज़ा बना दो, कभी पास्ता बना दो। वो लोग तो हेल्दी खाना ही नहीं चाहते। पर सारी माओं की एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चों को क्या हेल्दी दूँ, क्या उसके लिए बेहतर हो, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। तो आप इन्हीं सब चीज़ों में ना एक हेल्दी सा डिश बना सकते हो अगर आप चाहो तो।
इससे क्या होगा, आपके बच्चों को टेस्ट भी मिलेगा और फिर आपको भी संतुष्टि होगी इस बात की कि मैंने अपने बच्चे को हेल्दी खाना दिया है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, और या तो फिर इन्हीं चीज़ों के साथ आप कुछ हेल्दी सब बनाएं। इसमें ना मैंने थोड़ा चिली डाल दिया है, और ये है ब्लैक पेपर, और उसके बाद जो है मेरा सबसे फेवरेट काम होता है क्लीनिंग करना। कोई भी काम कर लो उसके बाद झट से क्लीन कर दो, नहीं तो फिर मुझे तो भाई खाना ही नहीं खाया जाएगा अगर मैं क्लीन ना कर लूँ तो। उसके बाद ये देखिए ये मेरे लगभग के हो चुके हैं। इसे आप जितना गर्म खाओ ना उतना बेहतर, थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर खाया नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने दोनों बना लिए हैं। उसके बाद फिर हम और किट टू बैठ के इसे फटाफट फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। फिर हम जब इस टाइम में इस तरीके से बैठते हैं ना, तो दिन भर की बातें पूछते कि क्या क्या किए हो आज तुम, कौन कौन सा काम हुआ है नहीं हुआ है, इस तरीके से होमवर्क बनाया था या नहीं बनाया था। ये मैं तो नहीं कहूंगी कि सेम टू सेम था, बट हाँ टेस्टी था, जैसे पिज्जा वाला टेस्ट आ ही रहा था। आप इस तरीके से ना घर पे भी बना सकते हो। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर किट्टू का पढ़ाई में आ गई, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग टू इवनिंग का कितना टफ रूटीन होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो और भी मुश्किलें आने वाली है हमारे साथ। तो उसके बाद हम दोनों ने, मैंने किट्टू को थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद जो है उसे हम दोनों दूध पी के सो गए थे। उसके पापा लेट से आए थे। तो चलिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, तो आगे भी आपको ये पता चलते रहेगा कि एक वर्किंग वूमेन के लिए घर ऑफिस सारी चीज़ों को मेंटेन करना कितना मुश्किल काम होता है। ये आप जब आप मेरे साथ जुड़ोगे या जुड़े रहोगे तो आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है अच्छी सी रेसिपी, या फिर अपने दिन भर के जो होते हैं काम या फिर कुछ स्पेशल, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, तब तक के लिए जो है हर हर महादेव।